लेकिन आज तीसरे चरण का मतदान हो रहा है 59 सीटों के लिए और सिफई में मैं मौजूद हूं, जसवंत नगर सीट में ये आता है जहां पर शिवपाल यादव अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हालांकि उनसे हमने खास बातचीत की, वो भी सुनवाएंगे, लेकिन यहां पर कुछ युवा है, जल्दी से उनसे चलते हैं और उनसे बात कर लेते हैं। क्या मुद्दे रहे हैं यहाँ पर? हमारे यहाँ तो वही रोजगार का, शिक्षा का, अगर जो रोजगार देगा उसको मैं वोट करूंगा। आप? रोजगार चाहिए और महंगाई कम होनी चाहिए और शिक्षा। रोजगार और महंगाई? रोजगार और जो हम लोग गाय और पशुओं से परेशान है, जो हमारे एग्रीकल्चर के सारी जो फसल है जो खत्म होती आ रही है, मैं ये चाह रहा हूँ कि इसमें भी लगाम कसी जाए। रोजगार पहली बार कर रहे हो क्या? नहीं, दूसरी बार। दूसरी बार क्या मुद्दे? मुद्दे का रोजगार चाहिए हमको। सारे युवाओं के लिए तो एक बात कॉमन दिख रही है, रोजगार। आप बताइए, आप तो थोड़े से अनुभवी लग रहे हैं, आपके लिए क्या मुद्दा है? वही का रोजगार का, जो पढ़ा लिखा नौजवान है वो किली डंडा खेल रहा है, कोई रोजगार नहीं है। 2-3 साल में कोरोना चला गया बेकार। रोजगार, कुछ महिलाएं भी ये देखिए जा रही हैं अंदर, और मैंने एक चीज खास देखी है यहाँ पर कि लगातार जो महिलाएं हैं वो पहुंच रही हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर। कुछ लोग और हैं, आप यहाँ मतदान करने आए? जी जी। कर दिया? अभी नहीं। क्या है मुद्दे? बेरोजगारी। बेरोजगारी मुद्दा आपका? मुद्दा बेरोजगारी। बेरोजगारी मुद्दा है। अब बिजली, बिजली अब सब समस्या खत्म होगी, बिजली की? बिजली की भी तो समस्याएं थी। बिजली की समस्याएं यहाँ है। अच्छा, कुछ और लोग हैं, जल्दी से एक कुछ महिलाएं हैं उनसे बात करते हैं। आप करती मतदान? अभी तो बहुत परेशान है। अरे वो कर दिए कि नहीं मतदान की? हाँ, वोट दे आए। हाँ, कर दी है सुबह सुबह। अच्छा, यहाँ पे तो महिलाएं बहुत एक्टिव दिख रही हैं, बहुत तादाद में मैं देख रही हूँ लगातार, जितने लड़के या पुरुष नहीं पहुँच रहे उतनी महिलाएं हैं। हाँ, है वोट सबने दाई, वोट दाई सबन अकेले। तो कुल मिलाकर के देखिए, किसी का नाम नहीं यहाँ पर, जो पार्टियां हैं वो अपने अपने दावे वादे जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन देखिए हमने यहाँ से शिवपाल यादव अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। शिवपाल यादव से हमने खास बातचीत की, वो क्या कह रहे हैं सुनवा देते हैं। शिवपाल जी, कुल मिलाकर हमने यहाँ, मैं आई जब से और मैंने लोगों से बात की, यहाँ मुद्दों से बड़े तो शिवपाल जी हैं। जी, यहाँ की जनता मुझे बहुत स्नेह देती है और जब से मैंने चुनाव लड़ना शुरू किया है तब से हमारी लीड बढ़ती चली जा रही है। वैसे तो यहाँ से जब नेताजी 7 बार जीते हैं तो नेताजी का मैं चुनाव लड़ाते थे, नेताजी के चीफ इलेक्शन एजेंट बनते थे, और फिर जब नेताजी ने सीट छोड़ी उसके बाद मैंने लड़ना शुरू किया है, तो लगातार मैं 5 बार जीत चुका हूँ, 6वीं बार मैं प्रत्याशी बना हूँ। तो यहाँ की जनता लगभग मुझे तो लगता है 1 लाख पार से जिताएगी। 1 लाख पार का दावा कर रहे हैं आप? जी हाँ, जनता कहती है 1 लाख पार। जब पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा किया था, अपनी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बना ली थी, तो जब हम पूरे उत्तर प्रदेश में निकले तो भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम तो किया नहीं, न विकास का, और महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। तो फिर जब हम निकले तो जनता का कहना एक ही था कि एक हो जाओ चचा भतीजे, एक हो जाओ। तो मैं तो समझ लिया